सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकें। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है अवनी। दोस्तों करवा चौथ आने वाली है और करवा चौथ के लिए आप लोगों ने बहुत सारी तैयारियां शुरू कर दी होंगी, है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना उन तैयारियों में मैं भी थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दूं। आज मैं आप लोगों को एक स्वीट डिश बताने वाली हूँ जो कि बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेती है वो और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं आज आप लोगों को एक शाही टुकड़ा बनाना बताऊंगी जो बहुत जल्दी बन जाएगा और जितना टाइम हमें बचेगा उसमें हम ज़्यादा सच संवर सकते हैं। नहीं तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ को देखने के लिए। और आप चाहते हैं मैं और भी कुकिंग वीडियोज़ बनाऊँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। दोस्तों मैंने यहाँ पे चार ब्रेड लिए हैं और इनके साइड पार्ट्स मैंने हटा दिए हैं और बीच में से भी इसको मैंने कट कर लिया है, तो मेरे पास 8 शाही टुकड़े बनकर आएंगे। अब क्या करते हैं, एक पैन को गर्म कर लीजिए। इसमें मैं 3 कप दूध ले रही हूँ जिसको दोस्तों हमें उबालना है और उबाल कर हमें एक मोटी मलाई तैयार करनी है। तो ये देखिए दोस्तों उबल रहा है ये दूध और इसको क्या ना हम चलाते रहेंगे ताकि वो जो पैन के नीचे नहीं लगे, वरना वो जब अगर दूध नीचे लग जाएगा तो उसमें जली हुई की स्मेल आती है जो कि खाने में ज़्यादा टेस्टी भी नहीं लगती है और स्मेल भी आती रहती है। दोस्तों मैंने इसमें 1.5 चम्मच शुगर डाली है और अब इसको भी हम अच्छे से चला देंगे ताकि जो शुगर है वो उसमें मिल जाए। अब आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी मलाई आने लगी है, काफ़ी मोटी मलाई आ रही है। तो दोस्तों क्या करें, आप क्या गैस को बंद कर दें क्योंकि हमारी मलाई तैयार हो गई है। जब ये ठंडा हो जाए दोस्तों तो हम राई की हेल्प लेंगे। राई से क्या करेंगे, जिस तरीके से मैं चमचे से इसको हिला रही हूँ उस तरीके से हम राई की हेल्प लेके इसको चला देंगे ताकि जो मलाई है वो पूरे दूध में अच्छे से फैल जाए। तो अब ये देखिए मैं इस गैस को बंद कर देती हूँ और इसको साइड में रख देते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप शुगर लिया है और 1 कप ही मैं पानी ले रही हूँ। गैस को मैंने चला दिया है और इसको अब हम गरम करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमें 1 तार की चाशनी की ज़रूरत पड़ती है या फिर आप कुछ ऐसा समझें कि आपको ये जो पैन है 5 से 10 मिनट तक गैस पर रखना है और जब ये अच्छे से उबल जाएगा और हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मुझे चाशनी तैयार हो गई है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। और अब बारी आती है ब्रेड को तलने की। तो मैंने गैस पर कढ़ाई को गर्म कर लिया है और तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैं ब्रेड को अच्छे से तल लेती हूँ। दोस्तों इसको हमें क्या करना है, हल्का ब्राउन कर लेना है और जब तक ये ब्रेड हमारी कुरकुरी नहीं हो जाए तब तक हमें इसको तलना होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड को इसमें डाल दिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ब्राउन हो चुका है, हल्का ब्राउन। इसको हल्का सा गर्म और करना है। तो आप ये देख सकते हैं जब ये इतने अच्छे से कुरकुरे हो जाएँ तब हमें ये जो ब्रेड है इसको निकाल लेना है। इसी तरीके से आप जो बाकी की ब्रेड हैं उनको भी आप तल लीजिए इस तेल में और आपके जो शाही टुकड़े हैं ये इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगे। दोस्तों अब आती है बारी सर्व करने की। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो चाशनी है उसको मैं हल्का सा गर्म कर रही हूँ, उसमें मैंने 1 छोटी सी चम्मच जो है इलायची पाउडर की डाली है। तो इसको आप हल्का सा गर्म कर लीजिए। जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो हमने जो ब्रेड के टुकड़े जो थे हमारे जिनको हमने तला था उसको हम इसके अंदर डिप करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप डिप कर लीजिए इनको। और इसमें क्या है, हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना होता, बस हल्का सा डिप करें और ये देखिए चारों तरफ से अच्छे से डिप करने के बाद आप इसको जस्ट ही निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने बाकी सारे भी निकाल रखे हैं। अब सर्व करने के लिए हमने जो मलाई तैयार करी थी उसको ऊपर इस तरीके से हमको डालेंगे, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आप जब ये मलाई ऊपर से डाल दें इसके ऊपर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। जो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के कुछ भी डाल सकते हैं, मुझे पिस्ता बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों तो इसलिए मैं पिस्ता डाल दिया है यहाँ पर। तो ये लीजिए हमारा दोस्तों शाही टुकड़ा बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी बना है दोस्तों और आप इसको ज़रूर बनाएं अपने घर पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों करवा चौथ के दिन आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप शाही टुकड़ा बना रहे हैं और आप चाहते हैं मैं ऐसी और भी वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आप वीडियो पर पहुँच जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।